हेलो गाइस, और आज हम जाने वाले हैं हमारे दादाजी के गांव। हम और अब हम पहुंचने वाले हैं अपने गांव बिनोली। ठीक है, तो देखते हैं आज हम होली का जो फेस्टिवल आने वाला है, तो हम अपने देवताओं के जो है वहां पर दिए जलाने जा रहे हैं, तो देखते हैं। तो हम आ चुके हैं और हम जा रहे हैं पूजा करने। चलो चलते हैं, चलो। और यहाँ हमारी पूजा स्टार्ट हो गई है। और उसके बाद में हमें यहाँ पर दिए जलाने होते हैं, देन उसके बाद में हम यहाँ पर प्रसाद चढ़ाएंगे और इनके साथ में थोड़ी होली भी खेलेंगे। और इसको करने के बाद हम जाएंगे विलेज टूर पर, जो मैं आपको दिखाऊंगी। तो यहाँ का स्टेप कंप्लीट होने के बाद चलते हैं विलेज। तो चलिए आपको घुमाते हैं विलेज टूर पर। सो यहाँ पर ना आपको बिल्कुल जो देहाती है ना वो वाइब्स आ रही थी, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा था क्योंकि बहुत। सो अभी हम निकले हैं टूर पे, जो हम कर रहे हैं यहाँ के गांव का टूर। ठीक है, और हम आपको उसकी छोटी 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 क्लिप दिखाने वाले हैं। हाँ, तो लुक एट दिस। माजी हेलो बोलो। हेलो हेलो गाइस, देखो हाय। चलो अब चलते हैं अपने घर, अपने गांव वाले घर में। ससुराल में डबल ससुराल, तेरी भी ससुराल और ये मेरी भी ससुराल। बस फिर क्या था, गांव में जाते ही मम्मी को मिल गए उनके जानने वाले, तो बस फिर तो आपको पता ही है कि गॉसिप स्टार्ट हो गई। और ये वहां पर ही हमें मिले थे कुछ रिलेटिव्स से जो अपने घर लेके जा रहे हैं। और यहाँ पे भी एक भूमि ब्यूटी पार्लर लिखा हुआ था, तो मैं दिखा रही थी कि देखो यहाँ पे भूमि भाटिया तो नहीं है पर भूमि ब्यूटी पार्लर है। अब इनके घर हम जा रहे हैं। और हम फाइनली पहुंच गए उनके घर, और यहाँ पर हमने मतलब नाश्ता वगैरह इन्होंने दिया था। और उसके बाद पता है मैंने यहाँ पे क्या किया, देखो देखो, मैंने मतलब मुझे शर्म लग रही बट मैंने सोचा कि करके देखती हूँ यार कैसा लगता है। मज़ा आया फिर इसको, मम्मी देख रही थी कि क्या कर रही है ये। गाइस ये कोई रिलेटिव्स थे यहाँ पर सासू माँ के, तो उनका घर है। और लुक एट दिस, वेरी टिपिकल, बहुत मज़ा आ रहा है रियली। लुक एट दिस, फिर बस हम निकल चुके विलेज टूर पे। और ये थी हमारे साथ में मेरी सासू माँ। तो यहाँ पर आपको पता है सासू माँ की ससुराल है, तो मेरी तो डबल ससुराल हुई, तो पल्लू तो सर पे बनता ही बनता है। और ये देखो यहाँ पर हिंदी मातृभाषा का यूज़ किया जा रहा है, चिकित्सालय। सो मतलब गांव में आज भी आपको ना वही अपनापन मिलेगा, सब लोग ना खुश होते हैं देख के। शहर वालों की तरह ये नहीं होता कि अरे कोई आया है चलो छोड़ो, आया है तो हम क्या करें। और ये हमारा मतलब हम ना वहाँ पे जो हमारे पूर्वजों का घर था वो मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये है हमारे पूर्वजों का घर, बट ये सेल हो चुका था तो अंदर हमें अलाउड नहीं था जाना, पर फिर भी मैंने यहाँ पर है ना कुछ पिक्चर्स ले ली थी कि चलो याद रहेगी कि हाँ हम लोगों का ये मतलब इस तरीके से था। उसके बाद पहुँचे मैं कहाँ पे, अपनी छोटी सिस्टर के यहाँ पर पहुँची, जो कि वो भी एक विलेज में है। और उसके यहाँ पे मैंने पहले ही बोला हुआ था कि मैं जब तेरे यहाँ पे आऊँगी ना तो मुझे ट्रेडिशनल खाना खाना है, मतलब वही साग मक्का की रोटी और नोनी घी, मतलब वो चाहिए सब चीज़। फिर हम मतलब यहाँ पर हमने ब्रेकफास्ट वगैरह किया, उसके बाद मैंने बोला कि यार मुझे ना तुम खेत दिखा के लेके आओ, तो उसने सारा दिखाया। वहाँ के बच्चे इतनी मस्ती, मतलब इन्जॉय हमने फुल किया। और ये देखो यहाँ पे मैंने ना रील्स वगैरह भी बनाई है, तो बहुत मतलब मज़ा आ रहा था, सब घूम रहे थे सब, मतलब बहुत ही फीलिंग अच्छे वाली थी। और यहाँ पे ना सनसेट इतना अच्छा था, बट मैं ना दिखा नहीं पाई आपको क्योंकि मैं शूट प्रॉपर कर ही नहीं पाई क्योंकि रात हो चुकी थी। और वहाँ पे पता है मैंने क्या किया, आपको दिखाती हूँ।
वहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हो ये लोग खाना बना रहे थे किस पर, चूल्हे पे। तो पता है चूल्हे पे आप खाना खाओगे तो वो इतना मतलब इतना अच्छा रहता है हेल्थ के लिए भी बहुत। और ये देखिए यहाँ पर उनकी सासू माँ भी हैं और बच्चे मस्ती कर रहे थे और मैं व्लॉग शूट करने में लगी थी, तब इन्होंने बोला कि यार खाना भी खा लो, जिसके लिए मतलब ये है कि तुमने बोला था कि मक्का की रोटी और साग चाहिए और नौनी घी भी चाहिए और मट्ठा भी चाहिए, तो वो हम मतलब खाने वाले थे। और ये फाइनली मुझे भी मतलब मन किया कि मैं भी है ना इसके ऊपर चूल्हे के ऊपर रोटी बनाती हूँ, तो मैंने भी यहाँ पे बनाई। और इतनी सच में मैं मतलब खुद भी बिलीव नहीं कर रही थी कि मैंने बनाई है ये रोटी। उस समय मतलब मैं अपने बच्चों को दिखा रही थी, देख मैंने रोटी बनाई है, और बहुत अच्छा लग रहा था मुझे रोटी बना के। तो रियली गाँव की जो लाइफ है ना वो बहुत ही नेचुरल है, मज़ा आता। कांची बनानी नहीं तो ये कह रही मेरे से नहीं बनने की, क्यों नहीं बनने, कोशिश तो करके देख, हेलो एवरीवन। सो मैं आज पता है कहाँ आई हूँ, मैं अपनी छोटी सिस्टर के आई हूँ और आज मैंने बहुत सारी रोटियां बनाई है, वो भी किस पर, चूल्हे के ऊपर। लुक एट दिस। और पता है मैंने ये खुद ही बनाई है, दोनों रोटी जली नहीं है कहीं से, बहुत सही से बनाई है। गाइस अब हमारे व्लॉग का एंड होने वाला है, बाय। आज हमारा ये जो व्लॉग था ये था हमारा ब्लेज टूर। सो हमने आज बहुत ही ज्यादा एंजॉय किया, देन बहुत सारा टिपिकल जो बोलते हैं ना खाना, एकदम देसी खाना।